हाय गाइस, वेलकम मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। सो गाइस, मैं एक और रिव्यू वीडियो लाई हूँ आज अर्ली हर्ब के सीरम का। सो ये मैंने एक नया सीरम उनका ट्राई किया, विच इज़ नाइसिनमाइड विटामिन B3 सीरम, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई थॉट आप लोगों से शेयर करना चाहिए। सो इसकी अच्छी बात ये है, जो बेसिकली मेन जो इसका यूसेज होने वाला है, जो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो है अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या एक्ने मार्क्स रह गए हैं या डल फील होती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बारे में अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ एनरिच्ड विद एलोवेरा, लिकोरिस, मलबरी एंड ब्राउन शुगर, एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है, इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। उसका इसका टेक्सचर है ना, बिल्कुल वाटरी है, लाइक इट्स सीरम, इट्स नॉट ऑयल बेस्ड। बिल्कुल आप इसे टोनर होता है ना, आप अपनी स्किन में लगाओगे तो एकदम गायब हो जाएगा। सो इट्स लाइक कम्प्लीटली लाइक वाटर ओनली, विच इज़ ग्रेट। तो ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कोई भी आपकी कोई भी टाइप की स्किन है, सेंसिटिव है, ओपन पोर्स है या एक्ने एक्टिव है, कोई भी स्किन टाइप है, आपको ये सूट करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल टोनर की तरह, एकदम वाटर की तरह स्किन में एकदम गायब हो जाता है। बिल्कुल भी भारीपन नहीं है, कोई रेसिड्यू नहीं, मतलब एक इट इज़ लाइक अ वेरी क्विक एब्जॉर्प्शन है इसकी। एंड अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर, बिल्कुल, जस्ट बिकॉज वो वाटर की तरह आपकी स्किन में फटाफट हो जाता है, डजेंट मीन कि वो ड्राइनेस देगा, हाइड्रेशन पूरा देता है। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, एंड मैं इसको ट्राई करके देख चुकी हूँ काफ़ी बार, दिन रात मैंने दोनों टाइम ट्राई किया है। स्किन मेरी हाइड्रेटेड रहती है, बिल्कुल ड्राई पैचेस नहीं होते, बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होती। सो दैट इट पास द टेस्ट दैट वे, इट मिनिमाइजेस पोर अपीयरेंस। तो मेरी स्किन में ओपन पोर्स हैं, एंड उसने बहुत हेल्प करा है पोर्स को कम करने के लिए। ट्रीट्स एक्ने, ट्रीट्स हाइपरपिगमेंटेशन, रेगुलेट्स ऑयल, डेफिनेटली गाइस इट डज, इट्स वेरी नाइस। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सन डैमेज, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्प्रूव द स्किन टोन, फेयरनेस एंड कॉम्प्लेक्शन। सो गाइस, बहुत ही लाइट वेट है ये, तो आपकी स्किन में इतना फटाफट चला जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड जो भी यू नो आपकी स्किन सन की वजह से टैन हो जाती है या हाइपर पिगमेंटेशन होता है, पैची स्किन हो जाती है, कहीं से यू नो टैनिंग हो गई है, कहीं से डार्कनेस है, कहीं से नहीं है, तो वो भी ये ट्रीट करता है। एंड लाइट वेट है, तो इसके बाद आप अपना सनस्क्रीन आराम से लगा के बाहर जा सकते हो। इट्स लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया है। तो डेफिनेटली पुट योर सनस्क्रीन बिफोर यू गो आउट फॉर मल्टीपल, आई मीन फॉर एडेड बेनिफिट। सनस्क्रीन तो आपको नहीं भूलनी है, सुबह रात को आप एक इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, लाइक अगर आप कोई नाइट जेल लगाते हो या नाइट ट्रीटमेंट लेते हो तो आप ऊपर से लगा सकते हो। बट आई फील अगर आप इसको वैसे भी लगाओगे तो भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा। एंड आपको थोड़ा बहुत कम अमाउंट लेना है, पूरे फेस नेक पे लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, फ्यू ड्रॉप्स ही लेने हैं। एंड दिस इज़ पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, देयर आर नो सिंथेटिक कलर्स, एंड इट इज लाइक नो एनिमल टेस्टिंग, मिनरल ऑयल नहीं है, टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है, ऑयल फ्री है, एंड सिलिकन ऑयल फ्री है। तो इट्स कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट गाइज, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है आपको सूट करेगी। मेरी सेंसिटिव है स्किन तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, बट इफ़ यू नो अगर आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो आप हल्का सा पैच टेस्ट कर सकते हो, या तो आप हैंड पे यहाँ लगा सकते हो, एल्बो के यहाँ बैक साइड पे लगा सकते हो, और इवन यू कैन पुट इट हेयर एंड सी हाउ इट्स इफेक्टिंग यू। वैसे नेचुरल है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए गाइज, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड पूरे मतलब साल आपको ये काम आने वाला है, समर्स में इट्स गोइंग टू बी लाइक रियली रियली गुड फॉर योर स्किन, एंड ऑलमोस्ट टोनर की तरह है, तो वो चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। इसके बाद आप जो भी ट्राई करना चाहो, ऊपर से लगाना चाहो, आप लगा सकते हो, बट स्पेशली जिनको एक्ने हैं उनके लिए तो ये सेवियर होने वाला है, क्योंकि एक्ने को भी ट्रीट करेगा, आपके पोर्स को भी कंट्रोल करेगा। सो पिंपल्स की प्रॉब्लम कम होने लगती है, लाइक जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मुझे पिंपल की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेरा स्किन केयर पिंपल रिलेटेड रहता है, पिंपल आई ट्राई के स्किन केयर मैं ऐसा रखूँ कि मेरा पिंपल यू नो पिंपल्स ना आए, एक्ने प्रॉब्लम थोड़ी बहुत मुझे हो जाती है। तो ये मैंने उसमें एक नया ऐड करा है, एंड इट इज़ रियली हेल्पिंग माई स्किन, एंड कोई ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ फेल्ट पीपल हु हैव एक्ने शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, एंड काफ़ी लाइट वेट है तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि ब्रेकआउट्स होंगे या ऑयली फील होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा।
एंड आई रियली लाइक दिस. एंड गाइज, इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चन अबाउट दैट प्रोडक्ट एप्लीकेशन, मैं इसी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, ऑलरेडी आप देख चुके होंगे. एंड इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट, प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड लव टू आंसर इट. ऑल्सो इफ़ यू ट्राई दिस प्रोडक्ट, टेल मी योर एक्सपीरियंस, आई वुड लव टू हेयर दैट एज वेल. सो गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ. आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. इसका जो भी बाइंग लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, मैं सारा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप देख लेना. सो गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल if you like the video and found it helpful. Bye for now.